गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेटल और नॉन मेटल में अभी तक हम बहुत सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं। हमने फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ देखी थी उनकी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखी थी मेटल्स की, और आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे नॉन मेटल की। ठीक है, तो मैंने ये बताया था कि मेटल जनरली क्या करते हैं, वो अपने ऊपर पॉजिटिव आयन बना लेते हैं, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन कैसे ना कैसे करके दे देते हैं और अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैरी कर लेते हैं। लेकिन नॉन मेटल के साथ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इनको एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो इसलिए वो क्या करते हैं, नेगेटिवली चार्ज आयन बना लेते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेते हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बना लेते हैं, जैसे कि क्लोरीन हो गया, ये नॉन मेटल है, अपने एक इलेक्ट्रॉन लेके इसने नेगेटिव चार्ज बना लिया, इसने दो इलेक्ट्रॉन लिए हैं, इसने तीन इलेक्ट्रॉन लिए हैं। ठीक है, तो आज हम उन्हीं की कुछ रिएक्शन पढ़ेंगे। तो फर्स्ट रिएक्शन जो है, दैट इज़ रिएक्शन विद ऑक्सीजन, जो कि हमने मेटल के साथ भी की थी, सेम वैसे ही है। तो जब इनको हीट किया जाता है नॉन मेटल को, तो वो रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ और क्या बना लेते हैं, ऑक्साइड बना लेते हैं। अब वो एसिडिक भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं, कभी भी वो बेसिक नहीं होंगे। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि नॉन मेटल ऑक्साइड क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड क्या बनाते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो जनरली नॉन मेटल ऑक्साइड क्या कर लेते हैं, कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं। कोवलेंट कंपाउंड का मतलब क्या है, थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, वैसे अभी आगे हम और फर्दर डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि कोवलेंट कंपाउंड होते क्या हैं, अभी जस्ट ज़रा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, CO2 का एग्जांपल ले रखा है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे क्या कर रहा है, इसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये क्या करता है कि अब इसके लास्ट में 4 होते हैं इलेक्ट्रॉन, इसको ऑक्टेट करने के लिए 4 की ही ज़रूरत होती है। तो कार्बन क्या कहता है कि तू अपने दो बीच में रख दे, मैं भी अपने दो बीच में रख दूंगा इलेक्ट्रॉन्स, और हम दोनों शेयर कर लेंगे। तो इन दोनों की शेयरिंग की वजह से इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, इसी को हम कोवलेंट कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, आगे हम और भी ज़्यादा डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ठीक है, और उसके बाद है जनरली, उसके बाद ये क्या बना लेते हैं, एसिड ऑक्साइड बना लेते हैं। यस, तो नॉन मेटलिक ऑक्साइड जब डिजोल्व करते हैं हम वाटर के अंदर, तो क्या बना लेते हैं, एसिड बना लेते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एसिड ऑक्साइड बोलते हैं। मतलब कि क्या है कि ये ब्लू को रेड के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, कुछ एग्जांपल अगर हम देखें, तो जब कार्बन को बर्न किया जाता है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, बर्न करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है, तो क्या बना लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है, ये एसिडिक ऑक्साइड है। ठीक है, और जब CO2 डिजोल्व की जाती है वाटर के अंदर, तो वो कार्बोनिक एसिड बना लेती है, और ये ब्लू लिटमस को रेड के अंदर कन्वर्ट कर लेती है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो CO2 है ये क्या है, एसिडिक ऑक्साइड है। ठीक है, अब जब सल्फर को बर्न किया जाता है एयर के अंदर, तो वो भी क्या कर लेती है, ये भी एसिडिक ऑक्साइड बना लेती है। ठीक है, और इसको ही जब वाटर के अंदर जब हम डिजोल्व कर लेते हैं, वो सल्फरस एसिड बना लेती है, इसको भी अगर हम ब्लू लिटमस जब डिप करेंगे तो वो रेड हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से जो फॉस्फोरस की बात करें, उसको भी एक्सेस ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करवाया जाता है, तो पेंटाऑक्साइड बना लेता है वो, और उसको डिजोल्व किया जाता है वाटर के अंदर, तो वो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड होता है, और फॉस्फोरिक एसिड एसिडिक ऑक्साइड होता है। ठीक है, तो ऑल एसिडिक ऑक्साइड्स को हम एसिड एनहाइड्राइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, इसको हम एसिड एनहाइड्राइड भी बोलते हैं, सिंस ये जो डिजोल्व हो जाते हैं वाटर के अंदर, क्या बना लेते हैं, एसिड्स बना लेते हैं। ठीक है, न्यूट्रल ऑक्साइड की अगर हम बात करें, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड ना ही तो रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ, और ना ही रिएक्ट करते हैं वो बेस के साथ, इसलिए हम उसको न्यूट्रल बोलते हैं। न्यूट्रल है, अपना आराम से पड़ा हुआ है, ना ही तो एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, ना बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, ना ही तो वो ब्लू लिटमस को रेड करेंगे, और ना ही रेड को ब्लू करेंगे। अगर कुछ एग्जांपल्स की बात करें, तो जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, वाटर है, और नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है। ठीक है, ये क्या करते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, कार्बन बर्न होती है तो कुछ लिमिटेड सप्लाई होती है ऑक्सीजन की या फिर एयर की। ठीक है, तो वाटर
प्रोड्यूस होता है और एक इलेक्ट्रिक फ्लैश होती है, ठीक है, फ्लैश पास करवाई जाती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में से, ठीक है। उसके बाद नाइट्रिक ऑक्साइड का अगर मैं एग्जांपल लूँ तो ये बिल्कुल कम यील्ड बनती है जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन किया जाता है हाई टेम्परेचर के ऊपर। हाई मतलब कितना हाई, देखो आप 2700 से 3000, बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। और अगर रिएक्शन की बात करूँ वाटर के साथ तो नॉन मेटल जनरली रिएक्ट नहीं करते हैं वाटर के साथ, ना ही स्टेम के साथ रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस देते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि नॉन मेटल हाइड्रोजन को रिड्यूस कर देते हैं, हाइड्रोजन आयन्स को रिड्यूस कर देते हैं H2 गैस से, ठीक है। तो कुछ हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल जैसे कि फ्लोरीन हो गया, वो रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ और ओजोन के साथ। ऑक्सीजन और ओजोन तो आपको पता ही होगा क्या होती है, ठीक है। तो आज हमने कुछ एक रिएक्शन की है ऑक्सीजन के साथ, एसिडिक ऑक्साइड देखा, बेसिक ऑक्साइड देखा, ठीक है। तो आज और पहले हम डिस्कस कर लेते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन को। लास्ट में मैंने आपसे पूछा था कि इनमें से कौन सा रिएक्ट नहीं करता है, तो उसका आंसर है आयरन। तो बहुत सारे बच्चों ने ठीक आंसर दे रखा था, आयरन जनरली रिएक्ट नहीं करता है कोल्ड वाटर के साथ, ना ही हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, वो ओनली स्टेम के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। और आज का जो क्वेश्चन है वो है, जो इलेक्ट्रिक वायर के ऊपर हम कोटिंग करते हैं, इंसुलेट करते हैं उसको मटेरियल को, तो उस मटेरियल जो कौन सा मटेरियल होता है, वो सल्फर होता है, ग्रेफाइट होता है, ठीक है, या फिर पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, या फिर हम इन तीनों को यूज़ कर सकते हैं। तो आपको ये आंसर कमेंट बॉक्स में डालना है, ओके। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।